हुकूमत की कामयाबी की मुनफरिद दास्तान। जी हाँ, गुज़िश्ता 14 माह में हुकूमत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। हुकूमत कामयाब हुई है कारोबार तबाह करने में, लोगों को बेरोजगार करने में, महंगाई बढ़ाने में, पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख के होशरुबा इजाफे में, ज़रात तबाह करने में। हुकूमत कामयाब हुई है नाकाम खारजा पॉलिसी में, 70 साल में पहली दफा कश्मीर पर भारत का कब्जा करवाने में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लेने में, टैक्सेस की शरह के बेपनाह इजाफे में, अद्वियात की कीमतों में नाकाबले यकीन हद तक बढ़ोतरी करने में। हुकूमत कामयाब हुई है तालीमी बजट की 100% कटौती में, सीपैक जैसा गेम चेंजर मंसूबा सर्द खाने की नजर करने में, अमन अमान तबाह करने में, आजादी इजहार पर कदम लगाने में, सियासी इंतशार को फरोग देने में, पार्लियामेंट को बेतौकीर करने में, सानहे साहिवाल के मुजरिमों को बरी करवाने में हुकूमत कामयाब हुई है। जी हाँ, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी ना बनाने में हुकूमत कामयाब हुई है। डॉक्टरों और असातिज़ा समेत हर तबके को एहतजाज पर लगाने में कामयाब हुई है। ताजरों को हड़ताल पर मजबूर करने में कामयाब हुई है। सरमायाकारों को मुल्क से भगाने में हुकूमत कामयाब हुई है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार करने में हुकूमत कामयाब हुई है। तजावुजात गिराने के नाम पर लोगों को बेघर करने में, बीआरटी के नाम पर पिशावर को खंडरात का शहर बनाने में, 50 लाख घरों का झूठा ख्वाब दिखाने में, 1 करोड़ नौकरियों के झूठे दावे करने में हुकूमत कामयाब हुई है। जी हाँ, हुकूमत कामयाब हुई है यूटर्न्स को 8 का दर्जा देने में।